नमस्कार, द नगरी मीडिया की खास पेशकश खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झुंझुनू में चुनावी सभा को संबोधित किया। चुनावी सभा में राजस्थान यमुना जल समझौते को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश को बर्बाद करने में कांग्रेस का हाथ है। हमने राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम किया है। हमने जो संकल्प लिया वो 200 विधानसभा में पूरा करके दिखाया। सीएम ने कहा कि हमने यमुना पानी पर एमओयू किया, उस पर हरियाणा की कांग्रेस ने पानी नहीं देने की बात की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने पार्टी की परंपरा को बरकरार रखते हुए खिमसर विधानसभा से अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को टिकट देने का ऐलान कर दिया है। अब कनिका का मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार रेवंत राम डागा और कांग्रेस उम्मीदवार रतन चौधरी से होने वाला है। दौसा सीट से उपचुनाव के लिए जगमोहन मीणा को बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने की बात पर किरोड़ी लाल मीणा ने बयान दिया है। भाई को टिकट मिलने के बाद उन्होंने कई वजह गिनाई। बीजेपी नेता ने कहा कि जगमोहन मीणा को काबिलियत के चलते टिकट मिला है। चुनाव में मुद्दा विकास, सद्भावना और भाईचारे का रहेगा। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जगमोहन मीणा के टिकट की पैरवी भी की थी, लेकिन पार्टी ने उचित नहीं समझा तो अब उपचुनाव में दौसा से प्रत्याशी बनाया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गुरुवार को राजस्थान के जयपुर, उदयपुर और डूंगरपुर जिले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत मिलने के बाद डिविजनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफिसर जयमल सिंह के ऑफिस और घर पर एसीबी ने छापेमारी की, जो इस वक्त भी जारी है। एसीबी की टीम फिलहाल सरकारी अधिकारी के घर पर दस्तावेजों को खंगाल रही है। इंडिगो की फ्लाइट 6E-133 को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद गुरुवार दोपहर जोधपुर एयरपोर्ट पर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सबसे पहले सभी पैसेंजर्स को सुरक्षित फ्लाइट से बाहर निकाला गया। इसके बाद बॉम्ब स्क्वाड और सुरक्षा बलों ने मिलकर फ्लाइट की जांच की। इस दौरान यात्रियों के सामान को भी चेक किया गया, लेकिन कुछ भी संदिग्ध सामान तलाशी में नहीं मिला। इसके बाद सभी पैसेंजर्स को अपना अपना सामान लेकर एयरपोर्ट से रवाना किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारियों की ग्रेड पे 600 रुपए बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। सीएम का यह ऐलान राज्य कर्मचारियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। अब इन कर्मचारियों का ग्रेड पे 6000 से बढ़कर 6600 रुपए हो गया है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के अधीनस्थ कार्मिक, आबकारी, गृह, आयोजना, सामान्य प्रशासन, नीति निर्धारण, सूचना एवं जनसंपर्क और इसी भी विभाग है। ग्रेड पे बढ़ाने वालों के फैसले का लाभ इन मंत्रालय में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने बुधवार देर रात अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इसके बाद से ही नेताओं की बगावत का दौर शुरू हो गया है। मेवाड़ की सलुम्बर विधानसभा सीट पर इस वक्त खुलकर बगावत हो रही है, जहां कांग्रेस के प्रबल दावेदार माने जा रहे दिग्गज नेता और पूर्व उदयपुर सांसद रघुवीर सिंह मीणा का टिकट काटकर पूर्व प्रधान रेशमा मीणा को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इससे रघुवीर मीणा के समर्थक नाराज हैं। विरोध करते हुए उन्होंने ये तक कह दिया कि रेशमा मीणा की जमानत जब्त करवा देंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से चल रही सीईटी परीक्षा 2024 में गुरुवार को अंतिम दिन है। 3 दिन की परीक्षा की शुरुआत मंगलवार से हुई थी। वहीं कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष का कहना है कि सीईटी पात्रता परीक्षा की वैधता को लेकर अभ्यर्थियों को जल्द ही सौगात मिल सकती है। ऐसे में इस परीक्षा की वैधता से 3 से 5 साल तक बढ़ सकती है। महात्मा गांधी स्कूल में 10 अंक से जुड़े मामले में आज हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। इस मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर आज फैसला सुरक्षित कर दिया है। मनमोहन शर्मा व अन्य की याचिका पर आज सुनवाई हुई और बहस पूरी हुई। जस्टिस अनूप शर्मा की पीठ में सुनवाई पूरी हुई और इस मामले में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने प्रार्थी की ओर से पक्ष रखा व सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजेंद्र कुमार ने पैरवी की है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर से स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का मामला उठाया है। उन्होंने इस बार SMA टाइप 2 से पीड़ित 2 बच्चों और उनके माता पिता को भी सामने लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से मुक्ति दिलाने के लिए जो इंजेक्शन लगता है उसकी कीमत 17 करोड़ रुपए है। अगर केंद्र सरकार इससे पीड़ित बच्चे व उनके अभिभावकों की मदद के लिए आगे नहीं आएगी तो कैसे होगा इनका इलाज।
तो ये थी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप देख रहे हैं खबर दिन भर बुलेटिन। मैं हूं अभिजीत शर्मा। नमस्कार।